नमस्कार सब भाइयों को, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई? भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं पानी की। इतनी गर्मी में हम कबूतर को जो पानी डालते हैं वो कैसा होना चाहिए ये। हाँ जी बिल्कुल, आप जो देख रहे हैं मटका है, ये पानी का मटका है। और यही पुराने टाइम में कबूतर क्या इंसान इसी का पानी पीता था और हेल्दी रहता था। इसी तरह हमने कबूतरों को ख़ासतौर पर ज़्यादा गर्मी में अपने कबूतरों को मटके का पानी ही पिलाना है। मटके में पानी डाल के रखिए और जब चाहिए निकाल के कबूतरों को पिला दीजिए। चाहे सुबह डाल रहे हो, दोपहर को डाल रहे हो, शाम को डाल रहे हो, बड़ा मटका ले आओ। मेरे पास बड़ा मटका है और मैं उसी में सारा पानी डालता हूँ। तो मटके के पानी से क्या फ़ायदा होता है भाइयों? कबूतर ताव नहीं खाता, जो आपका गर्मियों में उड़ के आ रहा है, जो सुबह आप पानी दे रहे हो मटके का पानी निकाल के, ठंडा पानी कबूतर को दो, कबूतर ताव नहीं खाएगा। कबूतर उड़ के आ रहा है, यही पानी दो। जोड़ों वालों को यही पानी दो, सभी को यही पानी दो। अब पानी एक ऐसी चीज़ है भाइयों, अगर पानी साफ़ हो, पानी में बिट्ठे ना जाए, पानी में गंदगी ना हो, तो बीमारी कम होती है। और वो अगर मटका का पानी हो तो और भी बढ़िया। तो भाइयों, यही मटके को हम कैसे, इसका वाटर कूलर कहते हैं जिसे, सॉरी, ठंडे पानी की मशीन कैसे बनाए। देखिए, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे निशान बनाया है मैंने। ये आप गौर से देखिए, मटके के जहाँ पे गोल घेरा होता है, ये गोल घेरा है, इसके पास ही निशान बनाया हमने। इतना बड़ा हमने यहाँ पे छेद करना है। छेद करने का मतलब ये नहीं कि थोड़ी मार दो पूरा मटका टूट जाएगा भाइयों। पहले आपने यहाँ पे छेद कर लेना और इसको, ये जो छेद हो गया आपका, आपने इसके ऊपर ये पेचकस से या कील से, किसी नुकीली चीज़ से, इसी के ऊपर कलाकाली करते रहना। इसके ऊपर ऐसे ऐसे घिसता रहना। ये 15 मिनट लगेंगे भाई इसको ऐसे ही घिसते रहना। ये देखो थोड़ा थोड़ा निकलना भी शुरू हो गया, अभी मैंने इसमें शुरू ही बात की है। ये हमने ऐसे ही घिसते रहना, ये घिसते रहेंगे इसी तरह। और घिसने के बाद, तोड़ने के बाद ये बन गया। देखो भाइयों, ये छेद बन गया जिसमें कबूतर मुँह डालेगा, और पूरे का पूरा मटका ऐसे ही है, बंद है। उसे घिसने के बाद थोड़ा छेद बढ़ जाता है, हल्का हो जाता है। उस पर आप हल्की सी चोट दोगे बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, तो ये छेद बन जाएगा। इसको ऊपर से कर दो कवर, पेट में पानी डाल के ईंटों के साथ सेट कर दो। आपका कबूतर इसमें छेद में डाल के पानी, मुंह में डाल के पानी पिएगा, ना ही बैठ जाएगी अंदर, ना ही पानी गंदा होगा, और पानी आपका ठंडा रहेगा। मटके रात को बाहर निकाल दो और सुबह रख के इसमें पानी डाल। और आप बोलोगे सुबह कौन सा पानी डालना है, उसके लिए एक बड़ा मटका अलग से रख लो, उसका पानी इसमें डाल दो। भाई मटके का पानी आपकी उड़ानों में बहुत हेल्प करेगा, कबूतर की को ताव नहीं लगने देगा, गर्मी से बचाता है, जानवरों को फिट करता है, कैल्शियम पूरा करता है। तो भाइयों, ये 100 रुपये का फीडर, वाटर फीडर जिसे आप कह सकते हो, ठंडा वाटर फीडर, आप मानेंगे नहीं, आप खुद अगर मटके का पानी पीते हो या पियोगे तो आप कहोगे भाई पानी बहुत मीठा है। क्योंकि हम भी जब गर्मियों में उड़ानों में रहते हैं तो इन्हीं का पानी निकाल निकाल के पीते रहते हैं, नीचे मटका लगाया हुआ। तो भाइयों, चीज़ पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, आदाब।